आई सी वो किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से जो रोक रहा है वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी लाइफ की कंडीशंस को लेकर। व्यूअर आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूं। आई फील आपका कनेक्शन अभी कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहा है। आपका पर्सन आपके साथ दोस्ती से कई गुना ज्यादा आपके लिए महसूस करता है, बट वो ये बताते नहीं हैं और इसीलिए आप भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिरकार आपका पर्सन चाहता क्या है। आई सी कि आपका पर्सन इस कनेक्शन से डरता है, उनको शायद कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि अगर वो आपके पास आते हैं तो कहीं उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में एक बाधा बन के ना रह जाए। आई कैन सेंस कि आपका पर्सन सेल्फिश है, खुद को लेकर, अपने टाइम को लेकर। कभी कभी वो सोचते हैं कि आपको टाइम ना दें, लेकिन उनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स हैं, इसलिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे हैं, आप अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं, एंड जल्दी वो ये जानने जरूर आएंगे। आपका पर्सन फिलहाल अपने करियर और सक्सेस पर फोकस कर रहा है, एंड वो ये नहीं चाहते कि आप इसको एज अ रिजेक्शन वे में देखें, क्योंकि वो आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि वो आपको दिखा सकें कि वो आपके लिए कंपैटिबल इंसान है, इसीलिए वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबल होने के बाद वो आपके पास आएंगे। बैक ऑफ द माइंड आई फील आपका पर्सन अपनी ही सेल्फिशनेस के साथ फाइट कर रहा है। कभी कभी उनको लगता है कि वो आपके बिना रह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी प्राइड को काफी ऊपर रखते हैं, लेकिन डीप डाउन उनका मन उनसे कुछ और कहता है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी सेल्फिशनेस के कारण रुक जाते हैं। आई फील कि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कई धोखे खाए हैं, उनकी फैमिली फ्रेंड्स ने उनको बिट्रे किया है, इसलिए वो अपने आप को लेकर काफी प्रोटेक्टिव फील करते हैं। वो नहीं चाहते कि दोबारा उनके साथ कुछ ऐसा हो। कहीं ना कहीं अंदर से वो काफी सेंसिटिव भी हैं, इसलिए वो आगे बढ़ने से कतराते हैं। कहीं ना कहीं आपका पर्सन ये सोचता है कि वो आपके लिए एक बेटर इंसान नहीं है, एंड वो जानते हैं कि जैसा इंसान आप चाहते हैं वैसा वो नहीं बन सकते या नहीं है, लेकिन उनके लिए आप काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी सराहना खुद पर खुद से करते रहते हैं। अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि चीजें फ्यूचर में ठीक हों, उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो, उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए जिसकी वो इच्छा रखते हैं, और इसी स्टेबिलिटी के चलते वो आपको अप्रोच करने आए। डीप डाउन आई फील आपके पर्सन ने आज तक कभी किसी के लिए ऐसे रोमांटिक फील नहीं किया जैसा वो आपके लिए करते हैं, एंड वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये कनेक्शन जरूर कई गुना ज्यादा गहरा है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये कनेक्शन बहुत गहरा एंड प्योर है, लेकिन आपका पर्सन ये सोच के पीछे हट जाता है कि वो आपको वो सब चीजें नहीं दे सकते जो आप चाहते हो, या वो आपको खुश नहीं रख सकते। लेकिन डीप डाउन आई नो कि आपको ये सब चीजों की चाह नहीं है, आप एक काफी सिंपल और प्योर हार्टेड पर्सन हैं। आपका पर्सन अपने आप को कभी कभी अच्छा नहीं समझता, उनको ऐसा लगता है कि वो लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इनसिक्योर हो जाते हैं, और इसी इनसिक्योरिटीज की वजह से वो ये सोचने लगते हैं कि वो आपको कभी खुश नहीं रख पाएंगे, या वो ये नहीं चाहते कि आप उनकी ये साइड देखो। इन शॉर्ट वो नहीं चाहते कि कोई भी उनको कम समझे, खासकर आप, इसलिए वो अभी सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील लाइक आपके पर्सन ने अभी तक आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हैं, या वो नहीं चाहते कि आपको कुछ पता लगे। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ऐसा दोस्त देख रहे हो, लेकिन डीप डाउन आई नो कि आप भी उनके लिए फ्रेंडशिप से ज्यादा फील करते हैं,
जैसा कि वो करते हैं। बट लेट मी टेल यू कि वो आपसे अपसेट नहीं है, क्योंकि वो आपको काफी अच्छा इंसान मानते हैं। ना ही वो आपको ब्लेम करते हैं और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए काफी स्पेशल पर्सन हो एंड वो आपको अपने से दूर नहीं भेजना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि आपका पर्सन फिलहाल अपने आप से काफी टायर्ड है, काफी परेशान है, क्योंकि वो अपने आप को ही समझ नहीं पा रहे। वो अपने इंस्टिंक्ट्स को लेके कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो इस कनेक्शन से डरते हैं, इसलिए उनके लिए कोल्ड हार्टेड रहना आसान हो जाता है। वो बाहर से अपने मन को समझाने के लिए कह देते हैं कि नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में एक अलग ही कश्मकश चलती रहती है, जो उनको ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करें या अपने दिमाग को। कहीं ना कहीं आपका पर्सन इमेच्योर है, वो अपने आप को अपनी एज से काफी बड़ा मानते हैं, इसलिए उनको लगता है कि उनके ऊपर काफी बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिससे वो अक्सर परेशान रहते हैं, और वो नहीं चाहते कि ये परेशानी आप तक आए, क्योंकि आपको वो काफी चेयरफुल समझते हैं, इसलिए वो ये सोचते हैं कि आपसे दूर ही रहा जाए और जस्ट फ्रेंड से ही काम चलाया जाए। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूं, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। फिलहाल आपका पर्सन अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक करना चाहता है, वो अपनी बिजनेस या जॉब को आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें ग्रोथ चाहते हैं, एंड आई थिंक उनकी लाइफ में अभी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो उनको सपोर्ट करता है, इसीलिए वो अकेला रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो अकेले ही ठीक हैं। कहीं ना कहीं उनको अपनी सेल्फ वर्थ मालूम नहीं है, इसलिए उनका पर्सपेक्टिव दुनिया को लेकर आपसे काफ़ी अलग है। आई सी कि आपका पर्सन आपके लिए बेस्ट चाहता है, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, उनकी यही होप रहती है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं, बट वो अपने आप को आपके लिए बेहतर नहीं समझते, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए वर्थ नहीं है। आपका पर्सन चाहता है कि कुछ मैजिक या मिरेकल हो जाए, जिससे उनको क्लैरिटी आ सके कि वो क्या चाहते हैं, या कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए, उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं और वो आपके पास आ सकें। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि वो आपके पास वापस आना ही आना चाहते हैं। आई सी वो किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, तो इस कनेक्शन को आगे बढ़ने से जो रोक रहा है वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी लाइफ की कंडीशंस को लेकर। बट आपके अलावा वो किसी और को नहीं चाहते, इस बात को लेकर आप निश्चित हो जाइए। कहीं ना कहीं वो इस कश्मकश के बीच में उलझे हुए हैं कि वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, उन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी या खुद पर फोकस करा। ऐसे ही कि इस करेंट मोमेंट में वो खुद पर फोकस नहीं कर रहे हैं, उनके माइंड में सिर्फ आप ही घूमते रहते हो एंड वो बस चाहते हैं कि किसी तरह क्लैरिटी मिल सके। आई गेस आपके पर्सन को अभी टाइम की जरूरत है ताकि वो फिगर आउट कर सकें, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग पर्सन हो और वो आपको जितना आप डिजर्व करते हो उससे कई लाख गुना ज़्यादा देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके माइंड में मेटेरियलिस्टिक चीज़ें चलती रहती हैं, लाइक वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उनको आपको कुछ ना कुछ देना है, लाइक कोई गिफ्ट या कोई चीज़ या आपकी नीड्स पूरी करनी है। और क्योंकि अब जब उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस ठीक नहीं है और उनका बिजनेस और जॉब ग्रो नहीं कर रहा, इसलिए वो कतरा रहे हैं आपसे मिलने के लिए। बट एक बात तो पक्की है कि वो आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी फीलिंग्स की भी, उनकी लाइफ में आपकी काफ़ी वैल्यू है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, और वो उनके हिसाब से तभी संभव है जब वो लाइफ में अच्छा करेंगे या खुद को एक बेहतर इंसान आपकी नज़रों में साबित कर पाएंगे, एंड आई एम श्योर ये जल्दी होगा।
आई सी कि आपके पर्सन के पास काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिनसे वो अपनी लाइफ इम्प्रूव कर पाएंगे, और साथ ही साथ ये कनेक्शन भी, क्योंकि पास्ट में उन्होंने काफी अपॉर्चुनिटीज छोड़ दी जिनका उन्हें रिग्रेट है, बट अब वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते और जल्दी जल्द सब कुछ ठीक करके आपके पास वापस आना चाहते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप अपने पर फोकस करें, अपने बॉन्ड्स पर, अपनी फ्रेंडशिप पर, क्योंकि चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी एंड सून यू विल बी विद योर पर्सन। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। प्योर इंटेंशंस, ये फेरी बहुत हैप्पी है एंड आपको कहना चाहती है कि यूनिवर्स आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार है, एज लॉन्ग एज वो विशेस आपके हार्ट से निकली हो और सेल्फिश रीजन के लिए ना हो। बट ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी विशेस दूसरों की फ्री विल को हर्ट ना करें एंड वो सबके बेनिफिट के लिए ही हों। उनके मन में क्या चल रहा है जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।